नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिसनौर के धामपुर से है, जहां पुष्पनिकेतन स्कूल में थिंक टैंक एक्टिविटी के अंतर्गत रोड टू इकिगाई से प्रेरित होकर छात्र छात्राओं द्वारा अपने अंदर इकिगाई की तलाश के उद्देश्य से साहित्य मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। आपको बता दें, इकिगाई जापानी संस्कृति की अवधारणा है। इकिगाई वह है जो किसी व्यक्ति को उसके उद्देश्य की भावना या जीने का कारण देती है। इसके अंतर्गत होने वाली गतिविधियां किसी व्यक्ति पर थोपी नहीं जाती, उन्हें सहज माना जाता है और स्वेच्छा से किया जाता है। सीधे शब्दों में, अपने अंदर की वास्तविक प्रतिभा की तलाश, जिसके लिए आप बने हो और उसे करना आपको आनंद और खुशी से भर दे, इस इकिगाई की खोज में पुष्पनिकेतन स्कूल में आयोजित साहित्य मेले के अंतर्गत कवि सम्मेलन, नाटक प्रस्तुति, लेखक जीवन परिचय और समाज में उनके द्वारा रचित साहित्य का योगदान आदि साहित्य की लगभग सभी विधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने भीतर छिपी संभावनाओं और जीवन के प्रेरक तत्वों को पहचाना। साहित्य मेले के अंतर्गत ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो हाउस, पलाश, अमरदास, गुलमोहर और देवदार ने भाग लिया। कार्यक्रम में चारों हाउस ने अपने अपने बोर्ड तैयार किए, जिसकी थीम कवि और लेखक थी। साथ ही कवि सम्मेलन, नाट्य प्रस्तुति आदि साहित्य विधाओं का प्रदर्शन चारों हाउस ने अभिभावकों के सम्मुख किया। ब्लू हाउस अमलताश प्रथम, येलो हाउस देवदार द्वितीय, ग्रीन हाउस पलाश द्वितीय और रेड हाउस गुलमोहर तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका में वरिष्ठ पत्रकार सत्यराज रहे। संपूर्ण कार्यक्रम प्रधानाचार्य रश्मि रेखा और उप प्रधानाचार्य अरविंद कुमार के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। प्रधानाचार्य रश्मि रेखा ने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके द्वारा लाए गए स्थानों को केवल नंबर बताते हुए कार्यक्रम के मूल उद्देश्य, अपने अंदर की प्रतिभा और लक्ष्य की पहचान करने पर बल दिया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।